वो अवैध स्वरूप ले रहा है। योगेंद्र तिवारी मात्र एक प्यादा, एक छोटा सा प्यादा इस भ्रष्टाचार के षड्यंत्र, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग, क्योंकि जहां से योगेंद्र तिवारी का जन्म हुआ था कारोबार की दुनिया में, उस वक्त जो कंपनी बनाई गई थी उसमें योगेंद्र तिवारी के साथ साथ इस प्रदेश के भाजपा के एक बहुत बड़े नेता, उनके भी सगे संबंधित थे, उनके जो सबसे निकट के व्यक्ति, जो अपने आप को उनका सचिव कहता है, राजनीतिक सचिव, उनकी भी पत्नी का नाम था सुनील तिवारी जी का, और भी कई सारे थे, और तभी से कारोबार शुरू हुआ। उस वक्त भी हमने आप लोगों को कहा था कि किस प्रकार से जमीन हड़पी गई, शराब के धंधे में उनका प्रवेश हुआ, ये सारी बातें सबके सामने, क्योंकि अब ईडी को उनके सिलेक्टिव टारगेट में भाजपा तो है नहीं, उनके टारगेट में तो गवर्नेंस और झारखंड है, एक जो चीजें धीरे धीरे एसीबी के द्वारा जांच में बन रही थी, राज्य सरकार ने जिस जांच का गठन किया था, वो जब अपना दायरा को सिकुड़ता चला गया तो एक व्यक्ति को यहां से इस प्रदेश से ही हटा के दूसरे जगह स्थापित कर दिया गया, क्योंकि वो भी भाजपा के ही नेता थे। ये पूरा खेल केवल और केवल एक व्यक्ति को टारगेट करके किया जा रहा है, लेकिन ईडी को, क्योंकि पीएमएलए का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी को उसके सारे बैंक के ट्रांजैक्शन, और उनके लिए बहुत आसान, सारे ट्रांजैक्शन यदि खंगाला जाए तो हमको लगता है कि भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाए कि किनका किनका उसके साथ में संबंध रहा है, जो आज भी बदस्तूर कायम। हम लोग जानते हैं कि क्या नैरेटिव गढ़ा जा रहा, इसलिए मैं तो राज्य सरकार से बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि अविलंब एक एसआईटी का गठन राज्य सरकार करे और संपूर्ण मामला और इसके पीछे के जो साजिश करता है उनको बेनकाब करे। क्योंकि राज्य के लिए अपना तंत्र है, राज्य भी
संपूर्ण खेल का जांच कर रहे हैं। कि शराब के खेल में और कौन कौन है और भाजपा के कितने व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, सीधे तौर पे शराब के कारोबार से जुड़ा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।